कबाब बनाती हैं वहाँ पे, हमारी से तो पसंद किया तो मुझे ये कबाब लेके आई, जब मुझे ये पसंद आ गए मैंने इनको इशारा किया नंबर का, नंबर हमारा एक्सचेंज हो गया। उसके बाद जो है हमारी थोड़ी सी दोस्ती हो गई, बातचीत होती रही, दो तीन बार में गया उनके पास खाने कबाब इस तरह। फिर चलो इस बार होटल की कमाई तो हुई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है तबीयत, अब जो है ना फ्लू वगैरह जो है कम है काफ़ी, और आज नींद भी पूरी कर ली है मैंने, काफ़ी जो है सोया और रात को जल्दी सो गया था व्लॉग वगैरह फाइनल करके। तो बस अब नाश्ता करना है, दवाइयाँ वगैरह जो है वो मैं उठा लेता हूँ, ये खानी है मैंने अभी, और जो है नाश्ता कर लेते हैं पहले। तो जनरेटर चल रहा है, लाइट गई भी है, ले आओ भाई क्या नाश्ता है, लैपटॉप यहाँ किसने रखा है, सही है अकेले अकेले नाश्ता करो आप। तो ये जो है बाकर खानी खा रही है यहाँ पे, और मेरी जो चाय ठंडी हो रही है क्योंकि गैस आ नहीं रही है, और मम्मा मेरे लिए जो है बन और अंडा बनाने वाली है। नहीं मैं नहीं खा रहा, खाओ आप। ये आ गया मेरा बन और अंडा भाई, इसमें तो ये मैं खाने वाला हूँ, पहली बार देखा है ये, तो मैं खाता रहता हूँ। हाँ तो भाई आज तबीयत कुछ बेहतर है, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत बेहतर है, इनको फीवर चढ़ गया था, गले में दर्द, बुखार, नज़ला, खांसी, मतलब इनका टेम्परेचर बहुत हाई था, मगर ये फिर भी मुझे मम्मा के घर लेके गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब आप तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। बहुत से लोगों ने आपके लिए दुआ की, विशेस की कि आप ठीक हो जाए बहुत जल्द, और देखें आप ठीक हो गए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, दुआ करते हो मेरे लिए, और आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बनाता हूँ ताकि आप लोग इंटरटेन होते रहो और हम भी अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं, इसीलिए थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। तो आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कशान बहुत बेहतर फील कर रहे हैं, बस ये है कि थोड़ा सा गले में दर्द है, बुखार है, और मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी फीवर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बस ये है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक हम लोग को सेहतयाब करे जल्दी से, बस कुछ नज़र भी लग चुकी है हम लोगों को। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर बाहर, हमने सोचा यार थोड़ी देर बाहर जाते हैं फ्रेशमेंट के लिए, कुछ अच्छा फील करेंगे हम लोग, क्योंकि बीमारी में पता है यही होता है कि मेडिसिन खाओ और सो जाओ, इसी तरह फील होता रहता है और कुछ भी नहीं होता। खैर यहाँ पर कशान अभी क्या कहते हैं नाखून काट रहे हैं, क्या काटे नहीं थे क्या, साल से पहले पहले काट ले जाइए थे ना, नया साल है ना, मेरे बोला थोड़ा ये नाखून वाखून काटूं साफ सुथरा हो जाऊं, बहुत गंदा गंदा सा लग रहा था। सही है सही है, यहाँ पर ये नाखून काट रहे, इसके बाद चलो भाई आप लोग भी एक बात मुझे बताओ, ऐसा शोर किसी को मिलेगा, ना बीमारी में भी मैं इनको लेके गया कि अम्मी के घर, ये बोल भी रही थी रहने दो, लेकिन मैंने बोला नहीं मैंने अच्छा पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ऐसा शोहर कहीं मिलेगा, ये बोल भी रही थी कि नहीं जाना, ये नोट करना ये पॉइंट यहाँ पर, मैं बोल भी रही थी मुझे नहीं जाना, मगर ये मुझे खुद यहाँ से लेके गए कि नहीं यार फर्स्ट डे मम्मा के घर केक वगैरह लेके जाओ, अच्छी बात नहीं है। देखो मैं नहीं लेके जाता ना तो आप, खैर उस वक्त मैं बीमार था, मैं मुझे पता सही भी होना था, मैं सही होता तो फिर मैंने ताने सुनने पड़ते, अल्लाह अकबर, ऐसे जैसे मैंने बहुत ताने दिए ना आपको। हाँ आप लोग समझ रहे हो बात, आपको सब पता है, जितने भी शादीशुदा लोग हैं उन लोगों को ये बात पता है, बात तो सही है। हाँ तो भाई हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, इनको जूस पिलाना है फ्रेश, तो ये कह रहे हैं बाहर चल के पी के आते हैं जरा, तो मैंने कहा चलो सही है चलते हैं, तो बस चलते हैं जल्दी से बाहर, आ जाओ भाई फटाफट। मम्मा यहाँ पे खाना बना रही हैं और घर में कोई भी नहीं है, सन्नाटा हो रहा है बिल्कुल। क्या बना रही हो मम्मा? मछली बन रही है, कलेजी बन रही है, तो आज जो हम खाने वाले कलेजी और मछली, और अभी तो हम आ रहे हैं जरा, मम्मा आ रहे हैं आधे घंटा में, चलो भाई चलो 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 चलो, बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे यहाँ पे बाहर, यार पार्क कितना गंदा करा हुआ है, साफ करने चले जाओ। आप भी ऐसे ही खेलते थे मट्टी में बचपन में, गजब बेइज्जती है, ऐसे ही खेलती थी ना मट्टी से आप भी बचपन में, अपनी बातें क्यों बता रहे हो यार, बाइक चला लो मेरा दिल नहीं कर रहा आज, बाइक छोटा मोटा शौक है यार, मैं नहीं चला रही। हाँ तो भाई प्लान थोड़ा सा चेंज है, हम लोग जो है जूस वूस पीने के लिए निकले थे, लेकिन जो है रास्ते में इनको आ गया नजर बिरयानी वाला, तो बोल रही है मैं बिरयानी खाऊंगी, जूस मैंने नहीं पीना है, जूस भी पीऊंगा, जूस भी पियोगी। तो भाई बिरयानी आ चुकी है इनकी, मेरा जो पेट भरा हुआ, मैंने नाश्ता अभी किया था, इन्होंने थोड़ा सा नाश्ता किया था, क्या हुआ बेटा खाओ ना, चलो आ गई है आपकी बिरयानी, रायता रायता भी आ गया है, चलो। हाँ तो भाई बिरयानी वगैरह खा ली है, पेट भर गया, बस सुनो ये भी अलनास, अब पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे क्या मालूम, बेर लेना यार, सारे खराब है इनके पास बेर, येलो सही होते हैं, नहीं लेना, चलो आप आना मेरे लिए, सही है चलो। कौन सा पियोगी? कौन कौन से अनार का होता है, सेब का होता है, केले का होता है, मौसम्बी का है, अनार का बर्फ कम, ठीक है ठीक है समझ गया, स्ट्रॉबेरी का भी होता है, हाँ अब अनार पियो, अनार अच्छा है,
तो भाई आ गया है इनका अनार का जूस। मसाला तो डालो, मैंने पीना भी नहीं है भाई, मेरी तबीयत खराब है अभी जाके तो मैं सही हुआ, वरना गला अभी भी जो है ना दर्द कर रहा है। आप पियो, आप पियो, बीमार नहीं हो जाना। मैं बस पी लो, पी लो आराम से, मजे का टेस्ट आ रहा है। चलो भाई जूस वूस भी पी लिया, अब चलते हैं घर, जल्दी से घर पहुंचते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। चलो तो रुक, तेरे को बताते याददाश्त चली गई। चलो उठो। A few moments later. हाँ तो भाई घर पहुंच चुके हैं और लाइट गई भी, जैसे ही घर आओ लाइट नहीं होती, जैसे ही घर आओ लाइट नहीं होती, हर वक्त लाइट नहीं होती, पता नहीं क्या लाइट होती है। कहाँ लाइट यार, जनरेटर चल रहा है। ओए होए होए, क्या हुआ, थक गई क्या? थक गई यार, मौसम बड़ा अजीब है, मौसम बड़ा अजीब है। खाना बन रहा है अभी तक। और कैसे हो? बनाओ मेरा। हाँ कोई लड़की ना देख ले, वैसे भी आजकल लड़कियों का कमेंट आ रहा है आप अक्षर को व्लॉग में नहीं लेती भाभी। यार आप मेरे व्लॉग में आ जाए करो ना यार, वायरल हो जाओगे आप लोग मेरी। कोई बात नहीं, इससे अच्छा तुम्हारे रिश्ते तो आ जाएंगे ना। नहीं यार, इसके लिए रिश्ता ढूंढो अच्छा सा, अच्छी खूबसूरत हो मेरी तरह लड़की। पानी पिलाओ। तो भाई घूम फिर के बाहर आ गए थे और अब जो है खाने का टाइम है, तो इनको जो है बहुत स्मेल आ रही है मछली की। टिश्यू पे इन्होंने जो है बहुत स्प्रे ये मारा है, ऐसे ही जाया कर रही है, बोली मुझे स्मेल आ, बाहर नहीं निकल रही। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? यार मछली तलने से मेरे को स्मेल आती है। मुझे भी कल मम्मा को बोला था मछली नहीं तलो। चलो चलो अब ऐसे टिश्यू लेके चलो। पापा मेरा पुत्र, कोई बात नहीं पुत्र, मास्क लगा लो। भाई यहाँ पे मछली तल रही है, फ्राई हो रही है मछली, और साथ में मम्मा ने क्या कलेजी बनाई है, आज कलेजी बनाई है। यहाँ पे खाना चल रहा है। अमार कैसे हो? खाना खा लिया? क्या खा रहा हूँ, मुँह में क्या है? फिश, फिश खा रहा हूँ। पराठा, पराठा था, पराठा। तो भाई ये दो तीन इनके कबाब जो है वो रेडी हैं, यहाँ पे तेल गरम हो रहा है। इनको जो है एनर्जी नहीं है थोड़ी सी, तो आपको जो है ना मज़ा नहीं आ रहा होगा, सुस्त सुस्त लग रही है आज, ये जो है ना मज़ा नहीं आ रहा। मैं तो भाई फुल एनर्जेटिक, फुल भाई एनर्जी आपके भाई में तो फुल होके, अल्हम्दुलिल्लाह फुल होके। अपन तो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। आप मुझे ठीक कर दो, मैंने आपको ठीक कर दिया, आप वरना चक्कर आ रहे थे आपको। मैं आपके लिए आपके साथ खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, बैठ जाओ प्लीज यार। मैं आपके लिए खड़ा हूँ, वरना वो हम तो बैठ जाते हैं दस्तरखान पे, मम्मा लेके आती है सब कुछ बना बुलो के, अब बैठ के लिए खड़ा होना पड़ रहा होता है साथ में। ये कर रही हूँ, आओ मेरे को देखो, ये करो वो करो वो करो। कितना झूठ बोल रहा हूँ ऑडियंस, क्या झूठ है इसमें, सब सच ही है। आज पहली बार आप खड़े हो रहे हो। ओहो, बस कितने व्लॉग में देखा पब्जी, सब पता है हम लोगों को भाई क्या होता है क्या नहीं होता। क्या होता है बताना? मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ जब तक खाना नहीं बनता, मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ता है आपके साथ, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो गलत है, आप लोग खुद बताओ कमेंट के अंदर, गलत है नहीं है ये? वैसे आपका साथ कोई भी नहीं देगा, आप बोलते रहो। क्यों नहीं देगा, मेरी ऑडियंस है, मुझसे प्यार करती है, आपसे भी करती है, आप और मैं भी तो एक ही है। बल्ले 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 बल्ले। ये बहुत अच्छे कबाब बनाती है, पहले नूरानी कबाब पे काम करती थी, दिहाड़ी पे 1200 रुपए इनकी दिहाड़ी थी, कबाब बनाती थी वहाँ पे। वहीं से तो पसंद किया। हाँ वहीं से मैंने पसंद किया इनको, एक बार मैं गया था नूरानी कबाब कबाब खाने के लिए, तो जो है ना वहाँ पे मैंने देखा इनको, तो मुझे ये कबाब लेके आई, जब मुझे ये पसंद आ गए, मैंने इनको इशारा इशारा किया, नंबर का नंबर वंबर हमारा एक्सचेंज हो गया, उसके बाद जो है हमारी थोड़ी सी दोस्ती हो गई, बातचीत होती रही होती रही, झूठ सलाम दुआ हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात होती गई। दो तीन बार मैं गया उनके पास खाने कबाब इस तरह, फिर चलो इस बार होटल की कमाई तो हुई। मगर आप कितना झूठ बोले, ऐसा कुछ भी नहीं, सब झूठ है, सब सच है ये, इसीलिए तो आप कबाब इतने अच्छे बनाती हो। ये दो कबाब है, ये दोनों मैं खाऊंगा आज, जो है मैं कबाब खाने वाला हूँ, अपनी बेगम को मैं कुछ नहीं खिलाने वाला हूँ, ठीक है बेगम? चलो फिर मैं जा रही हूँ मैं। ओके ठीक है, बात सुनो, बोरा रास्ता गेट बोरा। मैं जा रही हूँ तो आप मुझे बोलो जाओ, वो रहा रास्ता। हाँ वो रहा ना, वो रहा, इसलिए भी आके लेके आए, जल्दी जाओ। मैंने अभी घर की चप्पल नहीं, दूसरी वाली पहन जाओ, वहाँ से जल जाएंगे, काले हो जाएंगे अमान की तरह। स्टार्ट करो। तो इनको मैं हाथ लगा लेता हूँ, थोड़ा टेस्ट आ जाएगा, ताकि आप लोगों को पता ही है। ये इनको पलट दो, इनको अभी लगी हुए हैं, अच्छा लड़कियों काम में नहीं आया करो आप। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वहाँ पर मैं कटाकट बनाती थी नूरानी पे, ठक ठक। कैसे बनाती थी आप, थोड़ी रेसिपी? कटाकट बनाती थी। कितनी दिहाड़ी थी आपकी जब आप लगी थी, तो आपकी कितनी थी? 100 रुपए 100 रुपए
फिर आहिस्ता 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 जब मैं से मिली जब तो 1200 दिहाड़ी थी, आपने बताया था मुझे। आपने तो दे, आप तो देते थे वहाँ पे टिप। टिप भी देता था जब मैं आता था, 100 रुपये भी टिप दे के आता था इनको वहाँ पे। कसम से बहुत झूठ बोली। हाँ तो भाई खाने का टाइम है, हमारे कलेजी है, कबाब है और ये मछली है हमारे पास, थोड़ी सी खाना खाते हैं फटाफट से। हाँ तो भाई खाना वाना खा लिया, मछली बहुत टेस्टी थी लेकिन थोड़ी सी खाई मैंने, दिल नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे लोग जो है खेल रहे हैं। कालू बंदर, कालू बंदर, कालू बंदर। हमारी ये कौन है? शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी। ठीक है समरिया, आप हमारे व्लॉग देखते हो? जी। आप हमारे व्लॉग में आते हो हमें पैसे तो दो, पैसे लेते हैं सबसे। नहीं है, कमाते नहीं हो आप, जॉब नहीं करते आप? क्यों, कब करोगे? नलायक हो फिर, दो साल बाद। दो साल बाद, दो साल बाद ये बड़ा होगा। कब बड़े, कब हो गए आप? 5 साल बाद। और आप सोते कब हो? 3 बजे। उठते कब हो? 2 बजे। और नाश्ते में क्या खाते हो आप? अंडा, पराठा, सालन, छोले, क्या? छोले, अंडा, पराठा, सालन, पनीर। हाँ तो भाई गैस हमारी चले गई है तो अब ये चाय हम ओवन में बनाने वाले हैं। चाय हमारी अंदर जा चुकी है, ओवन में जो है हमारी चाय बन रही है। तो भाई चाय हो गई है ये हमारी तैयार, बस इसमें दूध डालना बाकी है। देखो ऐसा केक होगा, ऐसा केक है ठीक है, इसके जो अंदर है ना वो ग्रीन होगा, ऊपर ना पिंक कलर में जेली होगी, उसके ऊपर खोपरा लगा होगा, इधर भी और इस साइड भी, इस साइड भी और उसके ऊपर भी, बस अंदर ग्रीन कलर में होगा। सही है, होगा, देख लेना, वीडियो कॉल कर लेना मुझे। जाओ जल्दी से जाओ लेके आओ केक भाई। तो भाई चाय हमारी बन चुकी है, ये अब ये टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है। ले आया केक? नहीं मिला भाई, नहीं मिला भाई, क्या करें अब। अजीब सा केक बताया था, मिला ही नहीं। मैं कल लेकर आऊंगी, देखना आपको दिखाऊं। कौन सी नसल का केक है? चाय बन गई, चाय बन गई। ये कैसे बनी? ओवन में बनाई है। गैस तो थी नहीं, ओवन में। वो चाय पी के देखते हैं। 1 hour later। हाँ भाई चाय वाय तो पी ली थी, मैं चले गया था जरा काम से, तो मेरे पास अचानक कॉल आई भाई आपकी भाभी की, क्या भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, गैस हो रहा है, ये हो रहा है, और बोल रही है 7 अप लेके आओ मेरे लिए, तो इनके लिए मैं ये लेके आया हूँ, साथ में कुछ चीज वीजे भी इनकी लेके आया हूँ, जेली वेली। ये छोटी सी बच्ची है ना हमारी, तो इसलिए इनके लिए बच्चों वाली चीजें लानी पड़ती है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या खराब, क्या हुआ तबीयत को? नजर लगती है भाई, ऑडियंस बोलेगी कल आप बीमार हो गए थे कशन भाई, आज भाभी को बीमार कर दिया। तो भाई ये जो है नया साल हमारे लिए पता नहीं कैसा आया, पहले मैं बीमार हो गया, अब ये बीमार, मौसम ही ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है, साल वाल चेंज वेंज का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मौसम जो है ना सही नहीं है असल में। मैं भी बीमार था, मुझे भी अभी तक लू हो रहा है, आप लोग ब्लॉग में देख ही रहोगे, वो एनर्जी नहीं है जो होती है ब्लॉग में ना, वो एनर्जी आ ही नहीं रही ना, मतलब तबीयत बिल्कुल से सेट नहीं हो रही है, मतलब थोड़ा डाउन हुआ हुआ जिसम भी, और नजला जुकाम खांसी वासी हो रही है, अभी भी गला सही नहीं है, और आपकी भाभी भी अभी जो है बीमार हो गई है, इनको भी थोड़ा सा बुखार हो रहा था, पेनाडोल वगैरह इन्होंने अभी खाई है। पियो फटाफट, फटाफट पी लो, 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 पी लो। तो भाई इनकी कॉल आई मेरे पास, मैं बीमार हो रही हूँ, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, मेरे ये हो रहा है। मैंने बोला भाई मैं घर आ रहा हूँ और मैं आऊँगा, आप सही हो जाओगी, देखो वही हुआ, मैं आया हूँ और ये सही हो गई है यहाँ पे, बिल्कुल पप्पू फर्स्ट क्लास मुझे लग रही है, कोई मतलब बीमार बीमार कहीं से नहीं लग रही, देखो कैसे खा रही है। कहाँ से बीमार हो भाई? अपना खा लो 10 करोड़। हाँ तो भाई सीन ये है कि जो है आपकी भाभी की भी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, इस वजह से आज के व्लॉग में भी जो है कुछ खास हम नहीं, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं हुई खास, ऐसा ही बस दिन गुजर गया, उठो ऐसा लग रहा है अभी सोकर उठे थे, फिर रात हो गई है, फिर से सोना है बस। इंशाल्लाह कल जो है आपको कुछ बहुत अच्छा व्लॉग मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाला हूँ। तो ब्लॉग का जो है यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आई होप आपको लोग पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। यंग स्टनिंग 10 साल एंड आई एम स्टिल रनिंग, तुम्हें शक है तो कराची चल, कराची चल।